रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन एम्फीबियंस फर्स्ट द कॉन्टेंट्स फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियंस एग प्रोडक्शन इन एम्फीबियंस देन ब्रीडिंग कोर्टशेप बिहेवियर एंड डेवेलपमेंट इन एम्फीबियंस स्टूडेंट्स लेट भी फर्स्ट डिस्कस द एम्फीबियंस अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो दे आर प्रजेंट एट दॉर्डर लाइन ऑफ एनिमल्स इससे जो फर्स्ट ग्रुप है दे आर द फिशिज फिशिज दे आर द एक्वेटिक एनिमल्स फिश के बाद एम्फीबियन से अगला जो ग्रुप है दैट दे, दे, दे आर दी रेप्टाइल्स रेप्टल के साथ आगे बर्ड्स और एनम्ल्स हैं तो रेप्टाइल्स जो हैं दे आर टेरिस्टेरियल एनिमल्स इसके अंदर एम्फीबियन जो हैं एक तरफ एक्वेटिक एनिमल्स का बॉर्डर है दूसरी तरफ टेरिस्टीरियल का एनिमल्स का है। तो इनके एम्फीबियस के अंदर दोनों क्रेड्स पाए जाते हैं इनके अंदर कुछ करैक्टरसिक्स जो है वो हमें एकोटिक एनिमल्स वाले मिलते हैं कुछ करेक्टर्स जो हैं वो टेरिस्टेरियल एनिमल्स वे मिलते हैं इसलिए जब हम बात करते हैं वर्टी के तो वर्टिब्रेट्स के जो ग्रुप्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो वर्स्टाइल ग्रुप है दे आर दी एम्फीबियंस है क्योंकि एम्फीबियंस के हर ग्रुप के अंदर एक नया मेथड है डिफरेंट मैथोलॉजी एग्जिस्ट करती है रिप्रोडक्शन की और या बाकी एक्टिविटीज की इसमें जो वो एम्फीबियंस को हम इसलिए इसको ऑर्डर वाइज स्टडी करेंगे क्योंकि हर ग्रुप के अंदर इसका डिफरेंट मैथड्स हमें मिलता है तो इसमें हमारे पास तीन ऑर्डर हैं इसके ऑर्डर कॉडेटा है देन ऑर्डर जिमनोफियोना है एंड देन ऑर्डर एनोराजा वो ऑर्डर सबसे पहले हम बात करते हैं फ़र्टिलाइजेशन के रेफरेंस से तो ऑर्डर जो हमारे पास कॉडेटा है ये सेलेमेंडर्स हैं इनके अंदर ज़्यादातर जो हमें फर्टिलाइजेशन मिलेगी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी इससे जो जिमनोफ्यूना है इनके अंदर भी हमें ज़्यादातर जो फर्टिलाइजेशन मिलेगी दे आर दी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जबकि जो अनूरा है अनूरा बेसिकली दिए हमारे पास जो है वो फ्रॉग्स हैं फ्रॉग्स और टोट्स जो हैं ये बेसिकली ऑर्डर अनूरा से बिलोंग करते हैं तो इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इस तरह कुछ के अंदर इंटरनल है कुछ के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो लाजमी तौर पर वाटर में होगी एग्स अब हम अगर एग्स की बात करते हैं तो पहली बात जो एम्फीबियंस के एग्स हैं वो फिश के एग्स की तरह इन एग्स के अराउंड भी कोई हार्ड शेल मौजूद नहीं होता है तो ये जस्ट जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसके अंदर ये एग्स जो है वो मौजूद है जैसे कोई हार्ड कवरिंग नहीं है जस्ट एक मेम्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसके मौजूद है एग लिंक पैटर्न अगर हम देखें ऑर्डर कॉडेटा जो है इसके अंदर एग्स या तो सिंगल फार्म में लिए जाते हैं या फिर क्लचेस की फार्म में या फिर एक स्ट्रिंग की फार्म में वो लाइन की फार्म में वो ले किए जाते हैं या फिर जहाँ ये ले किए जाते हैं कुछ ज्यादातर केसेस में तो ले किए ही नहीं जाते हैं जिसमें ले किए जाते हैं वो फिर इस फार्म में जो होता है सिंगल या क्लचेस की फार्म में होंगे या क्लम्प्स की फार्म में नहीं ग्रुप्स की फार्म में होगी जिमनोफियोना जो है इसमें मोस्टली जो एग्स हैं वो ले नहीं किए जाते बल्कि वो बॉडी के अंदर ही रखा जाता है तो इससे एग्स आर रिटेन विद इन द बॉडी और चंद एक जिम्रोफोना के मेंबर्स हैं दे आरसो ले द एग्स ऑर्डर अनूरा जो है इसमें ज़्यादातर फ्रॉग्स हैं ये वो ऑर्डर है जो एग्स जो है वो ले करते हैं इसके अंदर जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन है और जो इस मीन दे ले एग्स जो एग्स होते हैं वो वाटर में ले के जाते हैं उसके बाद उसकी डेवलपमेंट जो है वो भी एक्सटर्नल होगी अच्छा जो फ्रॉग्स हैं या ऑर्डर अनूरा के मेम्बर्स हैं कुछ तो वो हैं जो वाटर में रहते हैं वो वाटर मैग ले करेंगे कुछ जो है वो ट्री ट्रंक्स पर रहते हैं या सॉइल में रहते तो वहाँ जो मॉइस्ट प्लेसेस हैं वो वहाँ क्या करेंगे एग्ज ले करेंगे ब्रीडिंग सीजन अच्छा जो हमारे पास ये मेंबर्स हैं एम्फीबियंस हैं ये थ्रू आउट द यर्स ब्रीडिंग नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं बल्कि आमतौर तो पर साल के किसी खास हिस्से में अपने यंग बर्नस को प्रोड्यूस करते हैं जब क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल होती हैं अब एम्फीबियंस कुछ एम्फीबियंस वो हैं जो टेम्परेट रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं टेम्प्रेट रीजन वो रीजन जिसमें दो जो साल के अंदर जो सीजन पाए जाते हैं तो फिर आमतौर तो पर जो टेम्परेट रीजन रीजन के अंदर जो फ्रॉग्स या जो एम्फीबियंस रहते हैं वो जब खास टेम्प ह्यूमिडिटी होगी हाई टेम्परेचर होगा तब वो क्या करते हैं फ़र्टिलाइजेशन जब वो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं जो ट्रॉपिक्स में ट्रॉपिक्स वो हैं जो यानी कि एक्वेटिक का रीजन है तो ट्रॉपिक के अंदर रहने वाला या ट्रॉपिकल रीजन के अंदर रहने वाले एम्फीबियंस जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो उस वक्त क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे यानी कि उनकी डेवलपमेंट जो है या रिप्रोडक्शन जो है वो रेनी सीजन में स्टार्ट होगी कोर्टशिप बिहेवियर कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं ऐसा बिहेवियर जिसमें जब एनिमल्स आपस में उन्हें रिप्रोडक्शन करनी रिप्रोडक्शन से पहले जो मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनके आपस में करीब आना इंटरेक्ट करना जो है इसको हम क्या कहेंगे ये कोर्टशिप बिहेवियर है जिसमें आपने बर्ड्स अक्सर देखा होगा बर्ड है स्पेशली जो पी कॉक है तो जब वो आमतौर पर जब होता है तो वो बकायदा डांस कर रहा होता है वो डांस क्यों कर रहा होता है वो बेसिकली फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा होता है तो ये जो बिहेवियर दिस एक्चुअली द कोर्टशिप बिहेवियर इस तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपनी खास टेरिटरी बना लेते हैं उस टेरिटरी के अंदर वो किसी दूसरे मेल को नहीं आने देते हैं ठीक है ये फिर क्या हो गया दिस इज आल्सो कोर्टशिप बिहेवियर कि उसके बाद वो फीमेल वहाँ आएगी उसके साथ क्या करेंगे वो रिप्रोडक्शन जो करेंगे अब कोर्टशिप बिहेवियर का बेनिफिट क्या है कोर्टशिप बिहेवियर का पहली बेनिफिट यह है कि एनिमल्स जो होते हैं उनको ब्रीडिंग साइट्स का पता चलता है ज़्यादा जहाँ कोर्टशिप बिहेवियर होगा वो एक सेफ प्लेस होगी जहाँ वो कोर्टशिप बिहेवियर शो करेंगे तो ऐसा ब्रीडिंग प्लेस उनको मिल जाती है देन कोर्टशिप बिहेवियर के थ्रू उनको पता चल जाता है कि उनका पोटेंशियल मेट है भी है या नहीं है यानी अगर एक एनिमल ने फीमेल के साथ मेटिंग करनी है क्योंकि स्पेशली ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो अपनी फीमेल अगर उनकी एग्स फीमेल के एग्स मेच्योर ही नहीं है तो उसके साथ उसको रिप्रोडक्शन करने का कोई बेनिफिट नहीं है यंग वन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कोर्टशिप बिहेवियर से मेल को ये आइडिया हो जाता है या जो कि फीमेल वेदर इट इज़ मेच्योर और नॉट मेच्योर क्योंकि अगर वो मेच्योर होगी तो वो कोर्टशेप बिहेवियर शो करेगी और एनिमल जो है हाँ उसमें फर्टिलाइजेशन करेंगे इस तरह से कोर्टशेप बिहेवियर में चूंकि एनिमल बहुत करीब रहते हैं अब जो इसका बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादातर जो गैमिड्स होते हैं या एग्स जो होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं क्योंकि उनकी फौरी तौर पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है आप कहते हैं कोर्ट बिहेवियर के अंदर एनिमल क्या क्या टेक्टस यूज करते हैं दे यूज ऑलफेक्ट्री स्मेल जो है केमिकल रिलीज करते हैं जिसके जो है वो यूज करेंगे देन विजुअल सिग्नल्स आपने देखा वोकलाइजेशन होती है फ्रॉक के अंदर बर्ड्स का एक बड़ा ब्राइट कलर होता है तो ये बेसिकली विजुलाइजेशन विजुअल अट्रैक्शन होती है अपने मेल को टेक्टाइल स्टिमुलस भी यूज़ करते हैं तो चूंकि यहाँ हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में फिर उसकी वोकलाइजेशन है या फिर इसके अलावा जिसका जो, जो है वो टेक्टाइल्स uh, टेक्टाइल Tactile का मतलब ये होता है कि एनिमल एक दूसरे का, -का टच करते हैं जैसे फ्रॉग है जब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग एक दूसरे के साथ एक दूसरे का टच होंगे तो उसके बाद दोनों क्या करेंगे अपने एग्स और स्पर्म को रिलीज़ करेंगे तो एक दूसरे से अटैच होने को टच करने को हम क्या कहते हैं जिसका टेक्टाइल क्यूज़ हैं ये टेक्टाइल जो है वो उसको मैथड uh, जो है उसको यूज़ किया जाता है कलरेशन का मैथड यहाँ जो है वो कम होगा ज़्यादा जो है वो uh, ज़्यादातर जो है वोकलाइजेशन का जो है टेक्टाइल जो है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा और फैक्ट्री को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर केसेस में लार्वी एग्जिस्ट करता है जिन में डिवेल्पमेंट एक्सटर्नल है उनमें लार्वी एग्जिस्ट करता है जिन में डिवेल्पमेंट एक्सटर्नल नहीं है उनमें आमतौर तो पर लार्वी नहीं प्रोड्यूस होता बल्कि छोटा सा मिनीचर पैदा होता है जैसे जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा छोटा सा यंग वन को बर्थ करते हैं जबकि जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें लार्वी भी एग्जिस्ट करता है